बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ दही भल्लों की दिलचस्प सी रेसिपी। तो चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी ले लिए एक बाउल, उसमें एक कप के करीब मैंने डाल दिया है बेसन। ये मैं भल्ले बना रही हूँ, ठीक है जी। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी जाऊँगी और मैं इसको विस्कर की मदद से हिलाती जाऊंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी, ठीक है जी। पानी मैं एकदम से नहीं डालूंगी, मैं हल्का हल्का डालती जाऊंगी, थोड़े थोड़े टाइम के बाद डालती जाऊंगी और विस्कर से हिलाती जाऊंगी और इस तरह से एक थिक सा स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी, ठीक है जी। ये देखिए जी, पेस्ट बन गया। अब यहाँ पे बारी आती है इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालने की। बेकिंग पाउडर इसमें मैं डालूंगी और अच्छे से इसको मैं विस्क कर लूंगी, ठीक है जी। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो एक चौथाई चम्मच लेंगे, ठीक है, बहुत थोड़ा। अदरवाइज आप बेकिंग पाउडर ही डाल सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो हमारे भल्ले हैं थोड़े फ्लफी से बनेंगे। और ये देखें जी, बैटर भी थोड़ा फ्लफी हो गया है। यहाँ पर अब लेंगे हम दही को, उसमें मैं डालूंगी चीनी, थोड़ा सा इसको मीठा कर लूंगी, ठीक है जी। ये मीठे दही भल्ले हैं, मीठे खट्टे मीठे बहुत मजे के लगते हैं, आप ये लास्ट भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। तो बस यहाँ पे इसको मैं 1 घंटे के लिए साइड पे रेफ्रिजरेट कर दूंगी और साथ ही साथ में इसका बना लूंगी मसाला। वो भी 1 चम्मच लूंगी जी धनिया पाउडर, साथ ही 1 चम्मच लूंगी मैं लाल कुटी हुई मिर्चों का पाउडर। उसके बाद मैं लूंगी इसमें जीरा पाउडर 1 चम्मच और फिर बस वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये है मसाला खटास देने के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चीनी डाल दी थी, तो 1 चम्मच मैं डाल दूंगी चाट मसाले का, ठीक है जी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये हम हमारे असेंबलिंग में यूज़ करेंगे दोनों चीज़ें, ठीक है जी। यहाँ पे इमली की सॉस भी है, बहुत आसान है। इमली को भिगो लीजिए तवे पे, थोड़ा सा इसको पानी में पका लीजिए और बस चीनी डाल दीजिए और बस इमली सॉस रेडी है। वहाँ पर जो मैंने भले क्या बैटर बनाया था, बारी आती है इसको ऑयल में डालने की। और इस तरह जी ये देखिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा भल्ले बना लिए हैं, अब इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए जी, इस तरह इस कंसिस्टेंसी में, इस कलर में जब ये आ जाएं तो बस अब आप इसको निकाल दीजिए। लाइट लाइट ब्राउन, हमारी स्किन टोन जैसी कंसिस्टेंसी है, तो बस इस तरह जब ये इस कलर में आ जाएँ तो आप इसको निकाल दीजिए एक प्लेट में। और बस यहाँ पर अब देखिए जी, मैं इसको पानी में डाल रही हूँ 30 मिनट के लिए। इसको पानी में डालेंगे जिसकी वजह से ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। तो 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको निकाल लूँगी। बस अब आप इसके अंदर पानी है तो इसको बहुत आराम आराम से सोक कीजिएगा, इसको बहुत ज़ोर से सोक मत कीजिएगा, बहुत ज़ोर से मत दबाइएगा वरना ये टूट सकते हैं। तो बस अब बारी आती है सैम्पलिंग टाइम, सब रेडी हो गया। दही डालें, दही भले डालें, मसाला डालें, दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।